श्री गणेशाय नमः। भक्तों, आज के वीडियो में जानेंगे करवा चौथ 2021 में उसकी तिथि और मुहूर्त के साथ साथ करवा चौथ व्रत की पूजा किस प्रकार से की जाती है, साथ में करवा चौथ व्रत का महत्व के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन महिलाएं अपने पति के दीर्घायु के लिए निर्जला व्रत करती है। इस दिन को करवा चौथ कहते हैं। रात में चांद का दीदार करने और चलनी से पति का चेहरा देखने के बाद महिलाएं यह व्रत तोड़ती है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन यह व्रत किया जाता है और इस साल यह तिथि 24 अक्टूबर रविवार को पड़ रही है। माना जा रहा है कि करवा चौथ पर इस बार 5 साल बाद यह शुभ योग बन रहा है कि करवा चौथ के व्रत की पूजा रोहिणी नक्षत्र में की जाएगी। इसके अलावा रविवार को यह व्रत होने से भी इस सूर्यदेव का शुभ प्रभाव भी इस व्रत पर पड़ेगा। अब जानते हैं करवा चौथ के व्रत का महत्व के बारे में। करवा चौथ के व्रत को लेकर शास्त्रों में यह बताया जाता है कि इसको करने से न सिर्फ पति की आयु लंबी होती है बल्कि इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन में सारी परेशानियां भी दूर होती है। कहते हैं कि सुहाग के व्रत को करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है और परिवार संकट से दूर रहता है। कहते हैं कि इस दिन माता पार्वती, शिवजी और कार्तिकेय का पूजन करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं करवा चौथ की तिथि और मुहूर्त के बारे में। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी इस बार 24 अक्टूबर को पड़ रही है और इस दिन रविवार होगा। इस बार करवा चौथ का व्रत 24 अक्टूबर को रखा जाएगा। चतुर्थी दिन का अगर प्रारंभ की बात करें तो दोस्तों 24 अक्टूबर को रविवार को सुबह 3:01 पर होगा, जिसका समापन 25 अक्टूबर को सुबह 5:43 पर होगा। अब जानते हैं कि करवा चौथ की पूजा का व्रत जो है किस प्रकार से किया जाता है। करवा चौथ के दिन सुबह उठकर सरगी का सेवन किया जाता है और उसके बाद स्नान करके घर के सभी बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर व्रत का प्रारंभ किया जाता है। करवा चौथ का व्रत पूरे दिन निर्जला किया जाता है और उसके बाद शाम के समय तुलसी के समक्ष बैठकर करवा चौथ के व्रत की विधि विधान से पूजा की जाती है। चांद निकलने से पहले थाली में धूप, दीप, रोली, अक्षत, पुष्प और मिठाई रख लें। करवे में अर्घ्य देने के लिए जल भर लें और फिर चांद निकलने के बाद अर्घ्य देकर छलनी से पति का चेहरा देखने के बाद व्रत को तोड़ लें। तो दोस्तों, इस प्रकार से करवा चौथ के बारे में पूरी जानकारी दी है, उसकी तिथि और मुहूर्त के बारे में, साथ में व्रत की पूजा सब कुछ डिटेल बताया। आशा करते वीडियो पसंद आएगी। कुछ कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री गणेश।